हर महीने की 15 तारीख को अब रबी लवल आ रही, रबी 15 रबी चांद से 15 रबी लवल, एवरी मंथ 15th ऑफ एवरी मंथ को अपने घर पे, आप अकेले बैचलर हैं यहाँ पे, डजंट मैटर, फैमिली के साथ है डजंट मैटर, पूरे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, बुलाए तो बहुत अच्छा, अगर आप खुद करना चाहते हर कैलेंडर पे मार्क कर लो, मार्क करके इमाम हसन की न्यास करो, रोटी कबाब जो आपकी हैसियत है, जैसा पानी जरूर रखना, ठंडा पानी रखना, ये याद हुसैन याद सकीना है, हमेशा याद रखो, मौला अब्बास की नजर करो, इमाम हसन की करो, कोई करो, ठंडा पानी दस्तखान पे जरूर रखना, और 3 सलवात 1 कलम 3 मरतबा सूरह खुल और 3 सलवात पढ़ के मौला हसन की बात में आ करो और बोलो मौला इस रिस्क में बरकत, उसका रिस्क रुकता ही नहीं, हलाल रिस्क नहीं रुकता, हलाल रिस्क है, खुम्स दिया हुआ पैसा है, कभी नहीं रुकेगा, अगर रिस्क बंद है दस्तरखान है हसन की बरकत, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा, तुम्हारी जॉब का प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100 आदमी को बुला के इमाम हसन का दस्तरखान करो, अकेले हो ना अकेले करो, इफ यू आर ऑल अलोन एक पानी में रखो, एक रोटी रखो, एक कबाब रखो, पानी रखो, मौला हसन का ग्रीन कपड़ा बिछाओ, कोई वाजिब चीजें नहीं है ये, मैं आपको बता रहा एहतमाम करो, उसके बाद फैमिली है, मियां बीवी बच्चे, औरतों को बोल रहा कि तुम अपने शोहरों की जॉब की हिफाजत करना चाहते तो तुम दुआ करना हसन से, इमाम हसन की अजीब बरकत है, और रोजाना अगर कोई 18 सलवात पढ़ के 18 टाइम सलवात पढ़े और इमाम हसन को हदिया कर के मौला हसन ही आपकी बारगाह में हदिया कर, उससे भी रास्ते खुलते हैं, रिस्क के दरवाजे में, रिस्क सिर्फ रिस्क की बात कर रहा इसलिए कि इमाम हसन का रिस्क के लिए बहुत अजीब चीज है, 18 सलवात कितनी देर होगी, कुछ भी नहीं है, 18 सलवात पढ़ के मौला हसन की बारगाह में हदिया कर और बोलो मौला ये हमारी तरफ से, तीसरी चीज हमारे उलमा ये बोलते कि हर नमाज के बाद अपनी दुआ में एक दुआ ऐड करना, ये ऐड करके देखो कि अल्लाह तुमको कितना उरूज देता है, यहां पे पूरा बिजनेस, पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस रहेगा, कंपनी में सबकी जॉब खत्म होगी, तुम्हारी जॉब रहेगी, तुम्हारी जॉब की तरफ कोई देखेगा नहीं, इतना प्रोटेक्शन है इमाम हसन का, वही तो मैं कहता यार कि हमारे पास मसला यह कि ठंडा पानी सामने रख के मैं प्यासा हूं, हसन जैसा करीम हमारे पास है मैं प्यासा हूं, हसन जैसा मुहाफिज हमारे पास है मैं प्यासा हूं, तो मसला ये, तो इमाम रिस्क के लिए बेहतरीन वास्ता इमाम हसन का, सलवात पढ़ो ये पढ़ो और एक दुआ ये करना रोज, मैं बड़ा आहिस्ता बोल रहा हूं, जन्नतुल बकी की तामीर के लिए जहां मौला हसन दफन है, आज हसन की लहत पे साया नहीं, समझ में आई बात, इसके लिए दुआ करो, देखो तुमको मौला कैसा उरूज, तुम्हारी जिंदगियों में साया आ जाएगा, तुम्हारी लाइफ में शेड आ जाएगा, ब्लेसिंग ऑफ इमाम हसन तुम्हारे ऊपर ऐसे आएगी, अगर कोई इमाम तुम्हारा मुहाफिज हो जाए देन तुमसे वंडर्स मिराकल्स होने लगे, हसन उस पर्सनालिटी का नाम है, मौला हसन का वो करना, वो ये दुआ जरूर करना कि साया आ जाए उनके, अब उनकी दुआ मजलिस खत्म, 50 मिनट की मजलिस होगी, किधर वक्त निकल गया मुझे एहसास ही नहीं हुआ, कल की मेरी आखिरी मजलिस, जस्ट रिमेंबर 8:15 इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेंबर पे आ जाऊंगा, मौला हसन के जरिए ये दुआ हमारे पास आई रिस्क के लिए, गौर से सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह उठ के बोलना अल्हम्दुलिल्लाह लजी जाला रिस्की फी यदी है वलम यजल रिस्की फी आइदिन नास, अरबी में आप उर्दू में बोलो, गुजराती में बोलो, पंजाबी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, जिस जो जबान आपकी है वो जबान में बोलो, अल्लाह सब लैंग्वेजेस को जानता है, ऐसा तो नहीं है कि आप उर्दू अरबी में बोलेंगे तो, अभी मेरे साथ एक हुआ, एक जगह मैं गया था, जगह का नाम नहीं बोलूंगा, वहां के लोग बैठे हुए यहाँ पे, तो एक जगह गया एक मस्जिद में, मैं मस्जिद पढ़ी तो वहां मस्जिद के बाद लोगों ने बुला के कहा मौलाना इन साहब को समझाएं कि ये एक ही दुआ इंग्लिश में भी पढ़ते, उर्दू में भी पढ़ते, गुजराती में भी पढ़ते, एक ही दुआ, इनको बोलिए क्यों वेस्ट कर रहे टाइम, कोई दूसरी दुआ पढ़े, एक ही दुआ को इंग्लिश गुजराती उर्दू, तो मैंने उनको बोला पूछा यार आर यू ओके, क्यों पढ़ते तुम एक ही दुआ 3 जबानों में, तो कहता है मौलाना मैं इसलिए पढ़ता हूँ
कि अगर अल्लाह इंग्लिश नहीं जानता तो उर्दू तो जानता ही होगा, उर्दू नहीं तो गुजराती तो जानता ही होगा। मैंने कहा अगर ऐसा यकीन है तो हो गया काम तुम्हारा, तो आप खालिक कायनात के लिए सोच रहे हैं। कोई जबान में बोला बोलो क्या अल्हम्दुलिल्लाह लजी जाला रिस्की फी यदि है वलम यजा रिस्की फी आइदिन्नास। दोस्तों आप तर्जुमा सुनो खुश हो गए। रोज सुबह उठ के मौला हसन कहते, मौला अली से ही हदीस हमारे पास आई, रसूल अल्लाह की हदीस मौला अली से इमाम हसन, इमाम हसन कह लिए रोज सुबह उठ के ये जुमला अपनी जबान में बिस्तर से उठे तो बोलो देखो रिस्क कैसे खुलता। कितने प्यारे अंदाज से अल्लाह का रसूल और इमाम अली हमको बता रहे। मौला हसन बोलते कि सुबह उठ के बोलो, और से सुनो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे रिस्क को अपने हाथ में रखा, बंदों के हाथ में नहीं दिया। क्या बात है यार, अगर अल्लाह बंदों के हाथ में रिस्क दे देता तो सिर्फ पैसे वाले जिंदा रहते, गरीब तो यही मर जाता। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे रिस्क को अपने हाथ में रखा, बंदों के हाथ में नहीं। अल्लाहुम्मा अज्जल वलीक अल फराज।